As the BJP retained power for the second consecutive term in Uttar Pradesh, Chief Minister Designate Yogi Adityanath would be in Delhi today to discuss the new UP cabinet with Prime Minister Narendra Modi. The swearing-in ceremony date will also be discussed during this meeting. National BJP President JP Nadda and Home Minister Amit Shah would be present at the meeting. It is going to be a crucial meeting as decision would be taken as to who gets place in Yogi's new cabinet. Adityanath will be the first Uttar Pradesh CM in the last 37 years to return to power after completing a full term in the state. Right, let me go across to Manish for more details on this very important meeting that is going to take place in Delhi today. Manish, aapse sabse pehle to samajhna chahenge is meeting ka agenda kya kuch hoga? Yogi Adityanath kya khud Pradhan Mantri Modi se mulaqat karne wale hai ya phir BJP ke anya high command ke netaon se aur kya kuch discuss ho sakta hai? योगी राज के दूसरे कार्यकाल का प्रारंभ कैसा होगा उसकी रूपरेखा इस बैठक में तय होनी है। पार्टी हाई कमान के साथ बैठक होनी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, संगठन मंत्री सुनील बंसल रहेंगे और जीत के बाद ये मुलाकात इसलिए और महत्वपूर्ण है कि जीत के बाद पहली दफा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाएंगे। अब मंथन इस बात पर होना है, पहला बिंदु कि जो नई सरकार होगी उसका शपथ ग्रहण कब होगा। चर्चा है कि होली के बाद 21 या 22 मार्च को नई सरकार अस्तित्व में आ सकती है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री इस समारोह का हिस्सा हो सकते हैं, इस बात पर चर्चा कर ली है। दूसरा, योगी सरकार जब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेगी तो उनके कैबिनेट सहयोगी कौन कौन होंगे। अपना दल और निषाद पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तो ऐसे में सहयोगियों को भी शामिल कर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि गठबंधन के नेताओं को लगातार साथ लेने की जो कवायद है उससे पीछे नहीं हटे हैं। भले बहुमत मिल गया हो तो निषाद पार्टी के कोटे से 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं और अपना दल से भी इतने ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है, इसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो चुनाव हार गए हैं, अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी इस बैठक में फैसला होगा। हाईकमान फैसला लेगा कि उन्हें यूपी में बनाए रखना है या फिर केंद्रीय राजनीति में उन्हें जगह दी जानी है। चूंकि अभी उनका विधान परिषद का कार्यकाल बचा हुआ है जो लगभग जुलाई में खत्म होगा, तो ऐसे में अगर उन्हें यूपी में रखा जाता है तो उनके लिए डिप्टी सीएम पर चूंकि पिछली सरकार में थे तो उन्हें क्या उसी पद पर रिस्टोर किया जाएगा या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर हाईकमान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यूपी कोर कमेटी के सदस्यों की चर्चा होनी है और वहां से जो भी निर्देश होगा और जो बातचीत होती है उसके बाद नई सरकार के गठन की कार्रवाई तेज हो जाएगी, शुरू हो जाएगी।